सो हेलो एवरीवन, वेलकम बंस अगेन। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ब्लॉग आया है कोई स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि KBS का जो एग्ज़ाम था उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक था एक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 4:09 आई थिंक हो चुके थे और स्टार्ट होता है मेरा डे। तो सबसे पहले मैंने पिया था गर्म पानी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाता है। गर्म पानी आपको भी पीना चाहिए ताकि काफ़ी चीज़ें उससे सही रहती हैं आपकी। और तो आज क्योंकि फर्स्ट डे था तो पहले तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि देखो किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग ज़रूरी होती है आपके लिए। और आप देखो स्टार्ट करना एक मेन पॉइंट होता है, उसके बाद चीज़ें अपने आप फ्लो में आ जाती हैं 2-4 दिन के बाद। तो आज मेरा जो था करंट अफेयर, जैसे मैंने बताया था GS और करंट अफेयर जितना भी पढ़ती हूँ मैं गौरव सर की क्लास से, तो मेरी कल की छुट्टी हुई थी, कल टाइम नहीं मिल पाया एक्चुअली में, तो मैंने उसको पहले कवर किया था। और उसके बाद मैंने हिंदी पढ़ी थी, एक दो चैप्टर मैंने कंप्लीट किए, जैसे बर्ड वगैरह और भाषा और लिपि वगैरह इससे रिलेटेड। 7th class के बच्चे की बुक थी, काफ़ी डिटेल और काफ़ी अच्छे से दिया था, तो मैंने उसको चला सोचा एक बार रिवीजन कर लूँ। और क्योंकि अभी तो हमारे पास रिवीजन ही है, अभी हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स को ही कंप्लीट कर रही थी। और फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप भी KBS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं KBS से रिलेटेड जो भी मेरे ब्लॉग्स हैं उनको ज़रूर देखिएगा, जो भी डेमो टीचिंग भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। और क्योंकि देखो मेरी अभी स्टार्टिंग है तो आप मेरे से ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को, क्योंकि जो लोग एकदम परफेक्ट होते हैं उनको देख के आपको लगता है यार ये तो इतने अच्छे से कर रहे हैं, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी या मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जब आप किसी ऐसे को देखते हैं जो कि सेम आपकी ही तरह होता है तो आपको लगता है कि हाँ अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए उनको ज़रूर देखिए, आपको 100% वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और DSSP की प्रिपरेशन आज से, जैसे कि मैंने आपको बोला था, तो मेरी स्टार्ट हो चुकी है। और आज मैंने क्या क्या किया, सारे दिन में रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने मॉर्निंग के बाद, तो उसके बाद मैंने हिंदी के बाद, ये बुक आप देख पा रहे हैं हिंदी क्यों किया था मैंने उसके बाद, क्योंकि आज संडे होता है तो संडे को सर जो लास्ट जितने भी वीक में जितने भी पढ़ाया होता है उसको रिवीजन कराते हैं, तो नोट डाउन तो मैंने नहीं किया उसको, तो आज सर ने रिवीजन कराया था तो मैंने उसको देखा। और उसके बाद आपने भी देखा होगा अध्ययन मंत्रा पे जो रोहित सर का लाइव सेमिनार था लगभग 3 घंटे का, तो उसको देखा मैंने, काफ़ी अच्छा था और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को उससे मिलेंगी। बट जैसे कि सर ने कहा है कि उसमें बता रहे थे एडमिशन वगैरह क्लोज हो रहे हैं, तो आई होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि देखो जब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आ जाती है, और सर की जो फीस वगैरह है वो भी मैंने पता की थी तो है थोड़ी सी ज़्यादा ही है, तो मतलब जब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आ जाती तब तक हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल तो मैं एडमिशन नहीं लूँगी, और आई होप कि सर बाद में भी एडमिशन को ओपन करेंगे, क्योंकि कट ऑफ जब आएगी तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों को एडमिशन वगैरह लेना होगा। तो देखते हैं, जो भी है तब तक प्रैक्टिस अपनी करते रहिए अपने घर पे ही, और चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिए। और मैं भी अब जैसे इंटरव्यू वगैरह की तैयारी, तो आज तो संडे था सब लोग घर पे थे, इतना प्रॉपरली चीज़ें नहीं हो पाई हैं। और मैं KV के बारे में भी जो भी हिस्ट्री है उसकी थोड़ा बहुत जानने की, जो मैं नोट्स वगैरह प्रिपेयर करूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तो जुड़े रहिएगा इसी तरीके से और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, ठीक है। और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कीजिएगा, अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है तो 100% आपकी मेहनत सक्सेस जरूर होगी, चाहे फिर उसे होने में थोड़ा सा टाइम लगे बट कोई नहीं। और जब आपने ठान लिया है कि आप मेहनत कर सकते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो पाने से नहीं रोक सकती जो कि आप पाना चाहते हो, ओके। तो आई होप कि आप सब लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता होगा। और वीडियो जैसी भी लगती हैं कमेंट कर दिया कीजिए, और अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाती रहूं। और थैंक्स आप सभी को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और ध्यान रखिएगा आप सभी अपना। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। सो बाय बाय, टेक केयर। मम्मा आप क्या कर ली थी?